तो फाइनली काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद Realme 3 Pro डिवाइस में Realme UI 2.0 के 1.06 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस इस अपडेट में ना आप लोगों को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलता है एंड आपके डिवाइस में जो बग एंड इश्यू थे ये अपडेट में फिक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि इस अपडेट का आप लोग को फाइल साइज कितना देखने के लिए मिला है। गाइस इस अपडेट का आप लोगों को फाइल साइज काफी ज्यादा लंबा देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस हम इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि जिन Realme 3 Pro डिवाइस के यूजर्स को Realme UI 2.0 के 1.06 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला तो फाइनली उन्हें कब तक अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस अगर आप भी हैं Realme 3 Pro डिवाइस के यूजर्स तो वीडियो को ना आप शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना बिकॉज में भी आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली Realme 3 Pro डिवाइस में Realme UI 2.0 के 1.06 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। हालांकि गाइस Realme के कस्टमर केयर से हम बात किए थे, कई सारे वीडियो में हम आपको भी बताए हैं कि उन्होंने बताए थे कि Realme 3 Pro डिवाइस में अब कोई भी फ्यूचर में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ना 1.06 का अपडेट देखने के लिए मिला है Realme 3 Pro डिवाइस में। तो गाइस ये जो अपडेट देखने के लिए मिला ना ये इसी वजह से देखने के लिए मिला है क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हैं वो बता रहे थे कि उनके डिवाइस में ना हीटिंग प्रॉब्लम, लैगिंग प्रॉब्लम एंड बैटरी ड्रेन का इशू फेस करना पड़ रहा था। तो गाइस इसी वजह से ना यहाँ पे आप लोगों को एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिला है 1.06 वर्जन के साथ में। तो गाइस अगर बात करें ना कि इस अपडेट का आप लोगों को फाइल साइज कितना देखने के लिए मिल जाता है तो गाइस आप लोगों को नया फाइल साइज यहां पे काफी लंबा देखने के लिए मिलता है, 1.31 जीबी का फाइल साइज देखने के लिए मिलता है। जी हां गाइस यहां पे ना फाइल साइज आप लोगों को काफी ज्यादा लंबा देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि आप लोगों के डिवाइस में जो चेंज लॉग देखने के लिए मिलने वाला है ना 1.06 में जब आप अपने डिवाइस को अपडेट करेंगे उसके बाद गाइस आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होंगे उन्हें यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस के ना स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा एंड आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया जाएगा। सो गाइस अगर आप भी हैं Realme 3 Pro डिवाइस के यूजर्स ना तो आप अपने डिवाइस के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट को ज़रूर चेक करें क्योंकि अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है एंड आप अपने डिवाइस को अपडेट कर लिया है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करना कि 1.06 में अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस का परफॉर्मेंस कैसा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। तो ऐसा अब हम बात करते हैं कि जिन Realme 3 Pro डिवाइस के यूजर्स को ना Realme UI 2.0 के 1.06 का अपडेट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला तो फाइनली उन्हें अपडेट कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस आप यहां पे ना वेट कर लो एंड गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि पहली बार जो अपडेट देखने के लिए मिलता है ना वो अप्रॉक्स 5-10% यूजर्स को ही देखने के लिए मिलता है, उसके बाद अपडेट को स्टे करा दिया जाता है एंड अपडेट में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है तो उसके अप्रॉक्स 1 वीक बाद सभी यूजर्स के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन अपडेट उसमें से भी कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है एंड अपडेट उसमें से भी अप्रॉक्स 1 आवर के लिए देखने के लिए मिलता है। सो गाइस इसी वजह से आप अलर्ट रहना और अपडेट को चेक करते रहना। वैसे गाइस आप लोगों को हम बता दें कि एक Realme 3 Pro डिवाइस में ना 1.06 का जो अपडेट देखने के लिए मिला है तो इस अपडेट का हम रिव्यू वीडियो भी लाने वाले हैं। सो गाइस इसी वजह से ना आप चैनल पे बने रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो गाइस Realme 3 Pro डिवाइस में ना जब भी फिर से न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस फिलहाल मैं अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।